आज देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंडेस 12 पढ़ रहे थे, अब तक जो पढ़ा है समझ में आया? रिफ्लेक्शन आ रहे, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा होगा हर्ष अगर टैक्स बेस से, तो ये कौन सा डिफरेंस कहलाएगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ओके, और इससे क्या क्रिएट होगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, बिल्कुल। और अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कम हुआ टैक्स बेस से तो भी टैक्सेबल, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगर कम हुआ तो बिल्कुल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और ये क्या क्रिएट करेगा? अगेन डीटीएल। ये जो डीटीएल या डीटी का अमाउंट आता है वो कौन सा आएगा, पीएनएल वाला या बैलेंस शीट वाला? बैलेंस शीट वाला। तो पीएनएल वाला कैसे आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने से। चलिए लिखो अब सम स्पेशल केसेस। सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, जिसमें पहला इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, सर ये वाला चैप्टर तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना। मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी क्या ऑब्वियसली क्या होता है, एसेट होता है। हाँ ये तो वो कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना आप, तब आपको पता होगा। तो अभी क्यों लिख रहे हैं, लिख लीजिए, जब वो चैप्टर आएगा तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, इसमें कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? कैरिंग अमाउंट मतलब अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग, इंडियस के अकॉर्डिंग आपका एसेट का वैल्यू कितना रहने वाला है। तो उसमें लिखूं इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था सब्सिडी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट में, जानते ना सब्सिडी मोर देन 50%, एसोसिएट 20% और मोर, और जॉइंट वेंचर कोई काम को करने के लिए पर्टिकुलर पर्पज के लिए क्या हुए हो, साथ हुए हो जॉइंट वेंचर। तो अब सर सबसे पहले तो हमने इसको रिकॉर्ड किया होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, फिर क्या हुआ होगा, फिर हर साल ये सब्सिडी एसोसिएट वगैरह क्या कमाते होंगे, प्रॉफिट्स कमाते होंगे। अब प्रॉफिट्स कमाएंगे तो प्रॉफिट की जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो प्रॉफिट भी तुम अपनी अमाउंट में क्या करते चलोगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ऐड करते चलोगे, तो बोलते हैं इक्विटी मेथड। क्या बोलेंगे? इक्विटी मेथड। ये कब सीखेंगे अपन? कंसोलिडेशन में सीखेंगे, लेकिन है इतना ही, भाई इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट हो रहा है अगर आपको सब्सिडी को एसोसिएट को, तो आप उस अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इंक्रीज करते चलिए, अगर नुकसान हो रहा है तो अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को डिक्रीज करते चलिए। तो प्लस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस स्लैश माइनस, इसके अंदर शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ सब्सिडियरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। इसको बोलते हैं इक्विटी मेथड, इसको बोलेंगे इक्विटी मेथड। टैक्स बेस, टैक्स क्या करेगा, टैक्स कितना दिखाएगा? सर टैक्स तो अभी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ही शो करता है, पता ना उसमें कोई रिवॉल्यूशन गेन और लॉस इंक्लूड नहीं होता टैक्स बेस में, वैसे यहां पर भी प्रॉफिट को शामिल नहीं करता, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा,
ओके, जो भी डिफरेंस रहेगा, एसेट वैल्यू ज्यादा रहेगी तो टैक्सेबल डिफरेंस, एसेट की कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर कम रहेगा तो डिडक्टेबल डिफरेंस, क्योंकि फायदा होगा तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा रहेगा, नुकसान होगा तो कैरिंग अमाउंट कम हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम डीटीए और डीटीएल क्रिएट कर लेंगे। अब इसमें एक और नोट लिख लो, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, नो डीटीए स्लैश डीटीएल इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टेम्परेरी डिफरेंसेस एज एज कब, अगर क्वेश्चन वाला देगा कब, व्हेन, एज की जगह व्हेन भी लिख सकते थे कोई ना, व्हेन पेरेंट एंटिटी, और मोस्टली केसेस में यही रहेगा, पेरेंट एंटिटी विल बी एबल, पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी, पेरेंट एंटिटी विल बी एबल टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ इट्स रिवर्सल, क्योंकि पेरेंट कंपनी के पास कंट्रोल होता है कि ये रिवर्सल कब होगा कब नहीं होगा, मतलब सब्सिडी को प्रॉफिट हुआ है, अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब करना है कब नहीं करना है वो होल्डिंग के हाथ में है, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में उसका रोल है, तो रिवर्सल में ये जो प्रॉफिट आप कंसिडर कर रहे हो कैरिंग अमाउंट में अंदर, उसका वो प्रॉफिट को कब तुम अपने यहाँ एक्चुअली रिसीव करोगे वो तुम्हारे हाथ में है, इसलिए कहा कि सब्सिडी के केस में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डीटी और डीटीएल, क्या पता डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे ही ना, तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बेचोगे तभी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, तो इसलिए डीटी या डीटीएल क्रिएट मत करो, ठीक है ना। हाँ, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के केस में आपको डीटी या डीटीएल क्रिएट करना होगा, तो याद रखना स्पेशल केस, बाकी अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, बाकी ठीक है, इसमें इतना सही तो है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कितना कितना, तो कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस शेयरिंग, और कैरिंग अमाउंट में सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहने वाला है, और स्पेशल केस है भाई सब्सिडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस, क्योंकि कंट्रोल होल्डिंग का रहता है इसलिए आप रिवर्सल पे भी कंट्रोल आपका है, इसलिए डीटी डिटेल क्रिएट नहीं करना है। हाँ, अगर वो बोले कि नहीं कंट्रोल होल्डिंग का बट कंट्रोल अपना नहीं है, डिसीजन मेकिंग में दिमाग नहीं रखती है, रिवर्सल पे इतना नहीं है, तो फिर आप कह सकते हो यस, तो फिर आप डीटी डिटेल क्रिएट कर लोगे। चलिए सेकेंड, अभी तक हमने ये इंड एस भी नहीं पढ़ा है, कौन सा, लीजिंग, लीज वाला इंड एस भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो एसेट टेकन ऑन लीज, तो जब आप एसेट लीज पे लेंगे तो सर इसमें क्या क्रिएट होता है जब हम एसेट लीज पे लेते हैं, तब जब आप एसेट लीज पे लेते हैं तो आप कहेंगे, जैसे आप लोग इंटर में नहीं करते थे, लीज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, लीज एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, यहां पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना, आर ओ यू एसेट, इसको नाम देंगे क्या, आर ओ यू एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट, यूज करने का राइट मिल जाता है ना तुमको लीज पे लेते हो, तो उसको बोलेंगे अब लीज एसेट नहीं बोल के क्या बोला जाएगा, आर ओ यू एसेट बोला जाएगा, तो एक तरफ तो तुम आर ओ यू एसेट क्रिएट करोगे और दूसरी तरफ क्रिएट करोगे लीज लाइबिलिटी, आर ओ यू एसेट एंड लीज लाइबिलिटी, मतलब अगर एसेट लीज पे लोगे तो एक तो एसेट क्रिएट होगा और एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा। ओके, अब इसमें कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा,
कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, नेट ऑफ आरओयू एसेट, नेट ऑफ आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी, नेट ऑफ आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी मतलब नेट एसेट निकाल दिया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज माइनस एसेट जैसा भी रहेगा, तो नेट ऑफ आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी बैलेंस इन द बुक्स, लीज लायबिलिटी बैलेंस इन द बुक्स और इसको एक्सप्लेन करें तो दैट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आरओयू एसेट ऑन बैलेंस शीट डेट माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लीज लायबिलिटी, दोनों का बैलेंस अलग अलग हो सकता है ना? हाँ सर, एसेट पे तो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, तो दोनों का बैलेंस अलग अलग हो सकता है। तो जो भी बैलेंस शीट की डेट को दोनों का बैलेंस रहेगा उनको पहले तो नेट कर देना, वो हो जाएगा कैरिंग अमाउंट। और टैक्स बेस क्या रहने वाला है यहां पर? टैक्स बेस रहने वाला है जीरो, निल। इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं मैं नहीं जानता तुम्हारी इतनी खतरनाक वाली अकाउंटिंग, तुम लीज रेंट दे रहे हो ना, मैं लीज रेंट को क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ बस, तो कोई एसेट नहीं, तुमने तो बस एसेट लीज पे लिया है और तुम क्या कर रहे हो, लीज रेंट दे रहे हो, तो बस इनकम टैक्स वाला तो कहता है मैं तो बस लीज रेंट कंसिडर करता हूँ, खर्चा कंसिडर करता हूँ, प्रॉफिट में से माइनस कर लेना इमीडिएट, जैसे लीज रेंट दोगे प्रॉफिट में से माइनस कर लेना, कोई एसेट नहीं कोई लाइबिलिटी नहीं। तो निल, इसमें लिखो सिंस लीज रेंट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस, इन इनकम टैक्स, ओके तो दोनों में डिफरेंस आएगा, कैरिंग अमाउंट कुछ ना कुछ तो रहेगा, या तो एसेट का रहेगा या लायबिलिटी का रहेगा, बट टैक्स बेस क्या रहने वाला है, जीरो, निल। ओके नेक्स्ट, माइनस में नहीं जाएगा ना, या तो एसेट का रहेगा या लायबिलिटी का रहेगा, भाई एसेट का ज्यादा है लायबिलिटी का कम है तो एसेट का रह गया, एसेट कम है लायबिलिटी का ज्यादा है तो नेट लायबिलिटी का रह गया, नेगेटिव तो हुआ ही नहीं ना, कौन सा ज्यादा है वही रह जाएगा, नेट एसेट है या नेट लायबिलिटी है, ठीक है। ओके एसेट का बच गया तो टैक्सेबल डिफरेंस, लायबिलिटी का बच गया तो डिडक्टेबल डिफरेंस, क्योंकि टैक्स बेस तो जीरो है। ओके थर्ड नंबर, अभी तक हमने ये इंड एस भी नहीं पढ़ा है, कौन सा, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, SBP, ये इंपॉर्टेंट इंड एस होता है शेयर बेस्ड पेमेंट, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है शेयर बेस्ड पेमेंट, देखेंगे सर इसमें कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा, सर शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या, मतलब मैंने आपसे कोई सामान खरीदा बदले में क्या कर दिया, हाँ कैश की जगह क्या कर दिए, शेयर्स दे दिए, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट हो गया। एम्प्लॉइज को आप क्या करते हो, उनकी सर्विसेज के बदले क्या कर देते हो, शेयर्स देते हो, ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ा है आप लोगों ने, पूरा डिटेल में देखेंगे, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट हो सकता है। या फिर ऐसा एम्प्लॉइज को क्या कर सकते हो, कैश दे सकते हो, किसके बेसिस पे, शेयर्स के प्राइस के बेसिस पर,
जो शेयर का प्राइस रहेगा उसके बेसिस पर हम आपको कैश देंगे, तो ये भी दे कैश रहे हैं, लेकिन है क्या, शेयर के बेसिस पर पेमेंट है ना, शेयर बेस्ड पेमेंट। ओके, पूरा देखेंगे। अच्छा, इंडिया से पूरा शेयर बेस्ड पेमेंट, कैरिंग अमाउंट क्या रहने वाला है इसमें सर? कैरिंग अमाउंट क्या रहने वाला है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर? कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? निल। और टैक्स बेस क्या रहेगा? टैक्स बेस क्या रहेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट बेस्ड ऑन इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सिलेबस 16 वालों ने तो नहीं पढ़ा, लेकिन सिलेबस 22 वालों ने पढ़ रखा है। उनके ईएसओपी था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दो क्वेश्चन भी हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता था, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब मार्केट में शेयर का प्राइस 100 रुपए, हम आपको 70 रुपए दे रहे हैं, तो 30 रुपए क्या हो गया, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, उस वो हो गया इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। ठीक है जी, अब पेमेंट कैसे किया जाएगा? इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे अगर आपको पेमेंट करना, मतलब मैं हमने आपको कहा कि दिया शेयर के बेसिस पे हम आपको पैसा दे देंगे, ठीक है ना, तो इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, जो भी उसका शेयर का इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, ऑप्शन का इंट्रेंसिक वैल्यू होगा। तो टैक्स बेस क्या कहते हैं कि भैया खर्चे किसके बेसिस पे, जो एक्चुअली पे करना है इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे, हम उसको क्या करेंगे, टैक्स बेस कंसिडर करेंगे। अब सर एसेट है कि लाइबिलिटी? नोट, एसबीबी एसबीपी शेयर बेस पेमेंट ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड, इज कंसिडर्ड एज एन एसेट, एज एन एसेट, हेंस ऑलवेज डीटीए विल बी रिकॉग्नाइज्ड डीटीए विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन एसबीपी ट्रांजेक्शन, ऑन एसबीपी ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट तो है नहीं, जीरो, उसको तो निल रखा गया है, क्योंकि एसेट तो है नहीं, कोई एसेट तो क्रिएट होता नहीं, एक्सपेंस मानते हैं, एक्सपेंस को पीएनएल से चार्ज कर देते हैं, इनकम टैक्स वाले उसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो अब टैक्स बेस अगर ज्यादा होगा एसेट का, तो ऑब्वियसली डिडक्टिबल डिफरेंस जनरेट होगा और वो डीटीए क्रिएट करेगा। हम तो अकाउंट में खर्चा मान के उसको क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, जितना जितना खर्चा प्रोपोर्शनेटली रिकॉर्ड किया जाता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन टैक्स बेस वाले उसको क्या करते चलेंगे, एसेट क्रिएट करते चलेंगे। ओके, इसलिए हमेशा ही डीटीए क्रिएट होगा। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल, एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल स्लैश नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स से कहता है भाई मैं ना आज अलाउ करूं ना कल अलाउ करूं, उनका क्या करेंगे? एग्जाम्पल, चैरिटेबल डोनेशन, चैरिटेबल डोनेशन टू
अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट। अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट पेनल्टीज। एटसेट्रा। इनकम टैक्स पेनल्टीज अलाउड नहीं होती ना, बिल्कुल कभी अलाउ नहीं करेगा इनकम टैक्स। तो अब इनका क्या किया जाए? सर ये टेम्पररी डिफरेंस नहीं है, ये तो परमानेंट डिफरेंस है। अकाउंट इन्हें अलाउ कर देगा और टैक्स इन्हें अलाउ नहीं करेगा, ये परमानेंट डिफरेंस है। तो लिख देना नो डीटीए डीटीएल रिकॉग्नाइज्ड। परमानेंट डिफरेंस है भैया, टेम्पररी डिफरेंस नहीं है। लिख सकते हैं आप परमानेंट डिफरेंस। AS 12 के अंदर ये वर्ड यूज किया जाता है परमानेंट डिफरेंस, AS 22 के अंदर। नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट समझते हो? अभी तक इंकम टैक्स में पढ़ाया कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है ना, कंपनीज को इतना तो देना ही पड़ता है। ओके, तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस और मैट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जब पढ़ोगे इनकम टैक्स में तो क्लियर हो जाएगा मैट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज, यहां हमेशा क्या माना जाएगा, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस इट क्रिएट्स डीटीए। सर ऐसा क्यों? डीटीए क्या होता है? आज ज्यादा पे कर दिया, फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगा। तो देखो अगर आपके लॉसेज हैं तो लॉसेज आगे जाके क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ होंगे प्रॉफिट से, तो फ्यूचर में टैक्स सेविंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सो इसलिए डीटीए क्रिएट किया जाता है, सोचना ही नहीं होता कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, ये कुछ नहीं सोचना होता। लॉसेज है मतलब आगे जाके प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएंगे, इसलिए आप डीटीए क्रिएट कर लो। अच्छा, और ऐसे ही मैट क्रेडिट है, तो मैट क्रेडिट भी आगे जाके टैक्स में से क्या मिल जाएगी आपको, छूट मिल जाएगी। तो इसकी वजह से भी क्या कर लो, डीटीए क्रिएट कर लो। क्लियर है? ओके, ये जो लॉसेज है ना, इसकी वजह से तो फिर भी क्या होगा, डिफरेंस इनटू टैक्स रेट होगा, डिफरेंस इनटू टैक्स रेट। मैट क्रेडिट तो ऑलरेडी क्या है, टैक्स का ही क्रेडिट है ना, मैट क्रेडिट, तो वो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो डीटीए ही होगा। मैट क्रेडिट जितना है वो डायरेक्ट क्या होगा, डीटीए ही होगा, क्योंकि मैट क्रेडिट क्या है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्रेडिट। तो टैक्स क्रेडिट है ना, वो तो डायरेक्ट टैक्स में एडजस्ट होगा, तो वो तो डायरेक्ट डीटीए है। लेकिन जो लॉसेज है वो प्रॉफिट से एडजस्ट होंगे, ठीक है ना, इसलिए वो डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब डीटीए आएगा। क्लियर है? दोनों में आए तो ठीक है, वरना थ्योरी में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो लॉसेज तो क्या होंगे, प्रॉफिट से सेटअप होंगे, इसलिए डिफरेंस इनटू टैक्स रेट, ठीक है ना, मतलब लॉसेज का अमाउंट इनटू टैक्स रेट, ये डीटीए क्रिएट करेगा, और मैट क्रेडिट इट इज ऑलरेडी डीटीए। चलिए नेक्स्ट, एक चैप्टर आएगा अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन का, बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हम किसी ने किसी का बिजनेस एक्वायर करेंगे ऑब्वियसली, तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन।
इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें देखो, इसमें होगा क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें, ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड, है ना। ए लिमिटेड तो क्या हो गया है, एक्वायरर हो गया है, और बी लिमिटेड क्या हो गया है, एक्वायरी हो गया है। बी लिमिटेड क्या हो गया, एक्वायरी हो गया है। ओके अब इसके अंदर देखो, मान लो ये ए लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है, व्हाट एवर द बैलेंस शीट है ना, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है। जरा बी लिमिटेड की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, बैलेंस शीट वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। क्या क्या है सर, मान लो बैलेंस बी लिमिटेड के पास पीपीई है और उसका जो वैल्यू है वो है 100 करोड़ का। उसका जो बुक वैल्यू है वो क्या है, 100 करोड़ का। और फिर उसके पास मान लो इन्वेंट्री है, इसका बुक वैल्यू है 80 करोड़ का। और उसके पास क्रेडिटर्स हैं, इनका वैल्यू है 90 करोड़ का। तो नेट एसेट कितना हुआ, नेट एसेट कितना हुआ सर? हाँ, 180 माइनस 90, एसेट माइनस लायबिलिटी होगा ना डम्बो, ठीक है ना। तो 180 माइनस 90 कितना, 90 करोड़ का नेट एसेट। लेकिन जब ए लिमिटेड उसको एक्वायर करेगा बी लिमिटेड को, तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया जाता है, कि फेयर वैल्यू पे एक्वायर किया जाता है। तो हर एसेट और लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो पीपीई का फेयर वैल्यू मान लीजिए 110 करोड़, इन्वेंटरी 70 करोड़, क्रेडिटर्स 100 करोड़, नेट एसेट कितना रहेगा, 180 माइनस 100, 80 करोड़ का नेट एसेट रहेगा। ओके अब ए लिमिटेड अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, ए लिमिटेड इसके लिए अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा सर? देखो जरा, ए लिमिटेड एक्वायर करने की नॉर्मल, अभी भी मैं डीटीए डीटीएल का ना बता के नॉर्मल एंट्री बता रहा हूं। क्या, इफ नो डीटीए डीटीएल इज कंसिडर्ड, अगर कोई डीटीए डीटीएल कंसिडर नहीं करते हो तो आप एंट्री करोगे पीपीई अकाउंट डेबिट 110 करोड़, क्योंकि बी लिमिटेड की एसेट आप अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे। तो ए लिमिटेड कहेगा भैया उसकी बुक्स मैंने एसेट खरीद ली है, पीपी अकाउंट डेबिट 110 आ गई, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितने से, 70 करोड़ से, एक लाइन छोड़कर टू क्रेडिटर्स कितना, 100 करोड़, 100 करोड़ नेट एसेट एक्वायर किया, 80 करोड़। अब 80 करोड़ के लिए मान लो मैं पेमेंट कर रहा हूं कितना, टू बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड टू बैंक कितना, 120 करोड़ का। तो गुडविल कितने का जनरेट होगा, तो गुडविल कितने का जनरेट होगा, 80 करोड़ की चीज के लिए 120 करोड़ का पेमेंट कर रहा हूं,
जो एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूँ वो गुडविल का होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ये तो तब जब मैंने कोई डीटीए डीटीएल कंसिडर नहीं किया। अब इफ डीटीए या इफ टैक्स रेट 30% इज गिवन, इफ टैक्स रेट 30% इज गिवन, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? डीटीए और डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा। तो डीटीए क्रिएट होगा कि सर डीटीएल क्रिएट होगा? डीटीए क्रिएट होगा कि डीटीएल क्रिएट होगा? नेट एसेट सर, ये कुछ दे नहीं रखा है अपने को कि टैक्स बेस कितना है या कैरिंग अमाउंट कितना है। तो आप कैरिंग अमाउंट क्या कंसिडर करोगे? आप कैरिंग अमाउंट क्या कंसिडर करोगे? क्योंकि हमको टैक्स बेस दे नहीं रखा है इसलिए हम कैरिंग अमाउंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर कैरिंग अमाउंट क्या करूंगा? वो जो फेयर वैल्यू है ना उसे क्या करूंगा? मैं अपना कैरिंग अमाउंट कंसिडर करूंगा। यहां पर मैं अपना कैरिंग अमाउंट क्या कंसिडर करूंगा? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ओके, और टैक्स बेस क्या कंसिडर करूंगा? क्योंकि टैक्स बेस मुझे दे नहीं रखा है, बी लिमिटेड का टैक्स बेस मुझे एसेट्स और लाइबिलिटीज का दे नहीं रखा है, तो उनकी जो बुक वैल्यूज है उसे ही मैं क्या कर लूंगा? टैक्स बेस कंसिडर कर लूंगा, मान लूंगा। सिंस टैक्स बेस इज नॉट गिवन, अच्छा दे रखा होगा तो सर दे रखा होगा तो वही कंसिडर करेंगे। सिंस टैक्स बेस इज नॉट गिवन, बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ एक्वायरी द बुक्स ऑफ एक्वायरी इज कंसिडर्ड एज टैक्स बेस। अच्छा अभी फेयर वैल्यू कितना रहा एसेट का? सर फेयर वैल्यू तो ये रहा 80 करोड़ है, नेट एसेट 80 करोड़ है, और टैक्स बेस कितना है? 90 करोड़। सिंस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट, सिंस कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस, तो क्या होगा? देयर इज कौन सा डिफरेंस? डिडक्टेबल, देयर इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, देयर इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इट क्रिएट्स डीटी ए, डेफर टैक्स एसेट क्रिएट करेगा। ओके तो सर इसमें क्या होगा? अब एंट्री क्या होगी? अब जर्नल क्या होगी? तो जर्नल क्या रहेगा अगर टैक्स रेट दे रखा होगा तो? किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर ना, तो इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड क्या एंट्री करेगा? सर पीपीई अकाउंट डेबिट कितना था? 110 करोड़। ओके, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट कितना? 70 करोड़। ओके, और इस बार डीटीए क्रिएट होगा ना, तो डीटीए अकाउंट डेबिट कितना क्रिएट होगा? सर जो डिफरेंस है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस कितना? 10 करोड़, और 10 करोड़ पे 30% टैक्स रेट 3 करोड़, 10 का 30% 3 करोड़,
3 करोड़ का डीटीए क्रिएट हो जाएगा अब एक लाइन छोड़कर, क्योंकि लाइन क्यों छोड़ते हैं, या तो अगर आपने ज्यादा पैसा दिया है तो गुडविल क्रिएट करेगा, कम दिया है तो इसे बोलेंगे गेन ऑन बार्गेन, जो पहले कैपिटलिज्म होता था उसको नाम क्या देते हैं, गेन ऑन बार्गेन। हालांकि वो जाएगा किधर, शिफ्ट किधर होगा, कैपिटल रिजर्व में ही होगा। ओके, तो अगर ज्यादा पेमेंट करते हो तो गुडविल, कम पे करते हो तो गेन ऑन बार्गेन। ये सब अपन बिजनेस कॉम्बिनेशन में सीखेंगे। सोचो ये एक इंडेस 12 किधर किधर की बातें करता है, ठीक है ना। इसमें अपन ने बैलेंस शीट भी देख ली, ठीक है ना, मजबूरी थी सीखना पड़ा, ठीक है ना। इसमें अलग अलग चैप्टर्स की और बातें भी थोड़ी थोड़ी झलक आ रही है। ओके, टू टू क्या, क्रिएटर्स, क्योंकि टैक्स तो कहीं पे भी लगा दोगे ना, कोई भी चैप्टर देखा नहीं, टैक्स तो लगा ही दोगे। ओके, टू क्रिएटर्स अकाउंट कितने से, कितना था सर फेयर वैल्यू, 100 करोड़। ओके, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी एसेट्स, 100 करोड़। और टू बैंक 120 करोड़, अभी भी गुडविल ही आएगा, लेकिन डीटीए की वजह से वो गुडविल एडजस्ट हो जाएगा, और गुडविल कितना आएगा, 37 करोड़, बैलेंसिंग फिगर। लिखा गया तुम लोगों ने, नहीं लिखा लिख लो, कहां से लिखना चालू करना है, स्टार्टिंग से ही, नेट एसेट ज्यादा आ रही थी, नहीं नेट एसेट ही ज्यादा आएगी ना, अगर मैं किस एसेट एक्वायर कर रहा हूं पैसा तभी दूंगा ना जब एसेट ज्यादा आएंगी, तो नेट एसेट ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें टेंशन नहीं लेने का, वो रेयर केस में होगा कि किसी के एसेट नहीं है, लाइबिलिटी एक्वायर किया, पहली बात तो कोई करता ही नहीं, शेयर होल्डर्स राजी होंगे क्या, नहीं ना, तो पैसा नहीं दोगे, पैसा सामने वाले से लोगे फिर, ठीक है। हाँ, वो लीज के अंदर लाइबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो यस, कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अगर ज्यादा हुआ तो डिडक्टेबल डिफरेंस, क्योंकि टैक्स बेस तो जीरो होता है, क्योंकि टैक्स तो कहता है कि लीज रेंट दो, खत्म काम, बिल्कुल। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। टैक्स का कोई मैसेज आया क्या, नहीं है, ठीक। अच्छा, तो सुनो तुम ये चीज लिख लेना, फिर काम करो, लिख लो एक बार, लिखो, लिखते चलो। चलो, अब कुछ पॉइंट्स और होंगे, वो मैं एक बार इसी के अंदर कल लिखवा दूंगा, कुछ इसी के पॉइंट्स होंगे और कुछ अदर पॉइंट्स और रहेंगे कि डीटीए को कब रिकॉग्नाइज करना है, टैक्स रिकंसिलिएशन वगैरह, और कल ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड